तो अभी हम देख रहे हैं कि मंथली एक्सपेंस मंथली इनकम एक्सपेंस शीट का जो रिपोर्ट है वो कैसे बनाएंगे और डेटा हर मंथ का यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करेंगे। मतलब हमारा जो डेटा है वो हर महीने की जनवरी में आ रहा है, फरवरी की फरवरी में आ रहा है, मार्च का मार्च में आ रहा है, अप्रैल का अप्रैल में आ रहा है और मई का मई में नज़र आ रहा है, सही है। और इस तरह आगे भी हम बना लेंगे जून का वगैरह। लेकिन यहाँ जब रिपोर्ट की बात आए तो मैं यहाँ जब क्लिक करूँ जनवरी का, तो जनवरी का इनकम और एक्सपेंस और नेट इनकम मुझे यहाँ पे पता चल जाए, सिमिलरली फरवरी का, सिमिलरली मार्च का। ठीक, अब क्या करना है इसके लिए, पहले तो आपने यहाँ पे मंथ्स के नाम ऐड कराने, जो आप ने शीट्स पर लिखे हैं सेम, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। तो डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में आप जाएंगे और यहां से जाके लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप लिख लें, इसकी स्पेलिंग क्या लिखी, JAN, FEB, स्पेस MARCH APRL MAY। स्पेलिंग में भी लेटर्स और कैपिटल का भी ख्याल करना है, और अगर जून भी आगे ऐड कराएंगे तो जून का भी रख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ ऐड हो गए, ये मैंने जनवरी सेलेक्ट कर लिया। चाहे तो इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, कलर शेड्स दे दें कोई इसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी को अपनी जाहिर करें, सही। अब क्या करेंगे, आप यहां पे क्लिक करेंगे और एक रेफरेंस देंगे इक्वल साइन से, और जनवरी वाली शीट के टोटल इनकम वाले सेल पर जहां आपने टोटल लिया हुआ है वहां का रेफरेंस दे देंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखें इस तरह डेटा आ जाएगा, सही। सेम रेफरेंस नीचे देंगे आप जनवरी वाले सेल के एक्सपेंस वाले शीट का, तो वहां पर भी आ जाएगा, सही। एक फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, सम करेंगे और रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे इसको, एक्सपेंस को। रेवेन्यू का नाम आप इनकम भी रख सकते हैं, इनकम रेवेन्यू बात एक ही है, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है तो ऐसे कर लें, सही। तो ये जनवरी की तो आ गई। आपका क्या आइडिया क्या था कि जब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा फरवरी पे, तो फरवरी वाली शीट का भी ये वाला और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जानी चाहिए, ठीक है। सलाम। ठीक है, अब क्या होगा, जब ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके लिए हमें थोड़ा सा सेल को एक्सटेंड करना है, डबल क्लिक करना है। यहां पर आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक शीट का नाम और एक आपको सेल का रेफरेंस। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के इस साइड पर आपने इसको रिमूव कर देना है जहां शीट का नाम है, यहां पर आपने लगाने हैं डबल कोट्स, इसको पूरा इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोट्स में कवर करना है, शिफ्ट के साथ आएंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, हमें दो सिंगल कोट लगाने हैं, ये बगैर शिफ्ट के आ जाएंगे। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, दोबारा से दोनों सिंगल कोट्स के दरमियान में दो डबल कोट्स लगाने हैं, डबल कोट डबल कोट। फिर उनके दरमियान में आपने दो एंड साइन लगाने हैं, ये आएंगे शिफ्ट के साथ। फिर इनके दरमियान में आपने क्या करना है, इस सेल का रेफरेंस देना है, जो भी नाम होगा C1 C2 C3 जो भी आपका सेल होगा उसका नाम, और एंटर कर देना है, ठीक। ये हो गया आपका एक स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दोबारा इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है। अब इस पूरे को यहां पे इक्वल के बाद एक फंक्शन लिखना है, इनडायरेक्ट एक्सेल का फंक्शन है, और ब्रैकेट स्टार्ट करना है और पूरे को इसके अंदर डाल देना है, सही। जैसे करेंगे आप इंटर, सही, यही काम आपने नीचे करना है। दोबारा देखें, पहले इसको हमें क्या कर देना है, रिमूव, डबल कोट्स लगानी है, फिर सिंगल कोट लगानी है दो, फिर दो डबल कोट लगानी है, फिर दो एंड साइन लगाने हैं, फिर इसके बीच में क्लिक करके इसका रेफरेंस देना है, एंटर करना है, एंड देन फिर जाके यहाँ पे क्लिक करना है इनडायरेक्ट, स्टार्ट ब्रैकेट एंड ओवर ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, हो गया मसला। अब यहां क्लिक करें मार्च पर, मार्च की शीट का डेटा आ गया, चेक कर लें, 1,95,37,000, ठीक है।
अब आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में। जून का क्यों नहीं आ रहा? जून की शीट नहीं बनी हुई, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी मई की शीट की कॉपी लेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, क्लिक करेंगे ओके, या डबल क्लिक करके जे यू एन ई ये नाम रखा था, जून रख देंगे, और जून का हिसाब जून के आखिर में होगा, तो 31/6, और कुछ हम यहाँ पे हिसाब में चेंजेस कर देंगे या डेट्स में चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर दिया, खर्चे में भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। और अब आप जाके देख लेंगे तो जून का हिसाब भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं, हिसाब तो आ गया, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी का हिसाब देखा और जनवरी की रिपोर्ट देखनी है, तो मैंने यहाँ लिंक बनाया हुआ, क्लिक करूंगा, ये मुझे जनवरी की शीट पे ले आया, और यहाँ पे एक लिंक बनाया हुआ दोबारा रिपोर्ट पे ले आया। यहाँ से मैंने फरवरी का हिसाब देखा, फरवरी की डिटेल देखनी है तो यहाँ फरवरी पे क्लिक किया, और यहाँ से दोबारा एक और बटन बनाया हुआ इधर आ गया। ये लिंक कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे जून, लिंक बनाने के लिए क्लिक करेंगे इंसर्ट लिंक, और यहाँ से लेंगे आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ से लेंगे आप यहाँ पे क्लिक करके जून, और क्या करेंगे इसको, ठीक है, अब देखिए यहां क्लिक करेंगे आप, जरा जी सही है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही। और इस बटन के ऊपर लिंक कैसे बनाएंगे, एक शेप से बनाएंगे, इस पे भी क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे और लिंक करेंगे, और यहां से आप इसका लिंक सेट कर देंगे किसके ऊपर, रिपोर्ट के, सही क्लियर।